नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपके लिए लाए हैं। तो सरकार कर्मचारियों को बड़ा लाभ देने जा रही है, क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो खुशखबरी, EPFO की नई योजना, पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपये वेतन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिमला ने की। उन्होंने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। इन योजनाओं के लिए EPFO एक कार्यान्वयन एजेंसी है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि पहली योजना के तहत EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की राशि का एक महीने का वेतन 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो सीधे उनके खाते में जमा होगा। इसके लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनका एक माह का वेतन 1,00,000 रुपए से कम होगा। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने से संबंधित है, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों एवं उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्ष में उनके EPF अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तीसरी योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के संबंध में है, जिसके तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह EPF अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने व उनके सफल कार्यान्वयन के लिए अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और विचार साझा करने का अनुरोध किया। तो ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में भी EPFO की नई योजना शुरू हो गई है। तो पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार 15,000 रुपये तक का वेतन देगी। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।